जोधपुर पावटा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जिलाध्यक्ष जोधपुर शहर देवेंद्र सालेचा, भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह की पहल, कमिश्नरेट में चलाया जा रहा है नशा मुक्त अभियान। बांसनी पुलिस कर रही है अपील, वाहनों पर नशा मुक्त जोधपुर अभियान का लगाया जा रहा है स्टिकर। बांसनी थाना अधिकारी के नेतृत्व में लगाए जा रहे वाहनों पर स्टिकर, लोगों को नशे से मुक्त करने के लिए दिए जा रहा है संदेश। जोधपुर पुलिस की इस पहल की हो रही है तारीफ। पीएफ ऑफिस के पास पान की दुकान पर शुक्रवार रात आपसी कहासुनी के दौरान झगड़े में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से किया हमला, जिसमें वह हो गया घायल। घायल अवस्था में उसे एसडीएम अस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घायल का पर्चा बयान लिया, उसके बयान के आधार पर हमला करने वाले युवक की पुलिस कर रही है तलाश। विवेक विहार के सेक्टर बी से सरकारी विद्युत उपकरण चोरी करने के मामले में विवेक विहार थाना पुलिस ने सदर पाली निवासी मोहम्मद सलीम को किया गिरफ्तार, वहीं दो जनों को चोरी के मामले में किया नामजद। जोधपुर राजस्थान ग्वार दाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आग्रह किया कि किसी जमाने में जोधपुर का ग्वार गम व्यवसाय विश्व भर में दबदबा रखता था, लेकिन मंडी टैक्स 2.6% की मार के चलते ये व्यवसाय धीरे धीरे कमर तोड़ने लगा। इसलिए 10 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में मंडी टैक्स 2.6% से हटाकर राहत प्रदान करें।